बताएं जैन साहब, कौन सा आज हीरा नया निकाल कर लाए हैं अपने खजाने में से? बिल्कुल अनिल जी, एक बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ स्टॉक है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेचुरल प्रोडक्ट्स का नाम। और आजकल देखिए किस तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट्स की धूम मची हुई है, लोग बाग जब से कोरोना आया तब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से नीम की बात होती है, आंवले की बात होती है। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैं था, वेरी फ्रेंकली अनिल जी, मैं आपका होम टाउन है उदयपुर, उदयपुर से मैं जड़ी बूटियां खरीदता था जब मैं ट्रेड शिफ्ट शुरू किया था मैं और मेरे पार्टनर्स के साथ। तो 2005 तक मैंने ये बिजनेस किया, 2003-04 तक हमने ये स्टार्ट किया थ्री में ट्रेड शिफ्ट जो हमारी ब्रोकिंग कंपनी है, और 2005-06 तक मैंने नेचुरल प्रोडक्ट्स आंवला, हरड़, बहेड़ा, निम्बोली और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काफी ट्राइबल एरियाज में ये सब मिलते हैं। तो वैसी ये कंपनी है, ये कल्टीवेशन में है ये कंपनी। आप देखिए ये बहुत टफ बिजनेस है, आपको जड़ी बूटियां कल्टीवेट करनी पड़ती है, फिर उनके एक्सट्रैक्ट्स निकालने पड़ते हैं, फिर आगे बेचने पड़ते हैं। तो बेहतरीन कंपनी है, और सबसे बढ़िया बात आप देखिए इनके पास कॉन्ट्रैक्ट के फार्मर्स है जो कि करीब 20,000 फार्मर्स से लोग कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करवाते हैं, तब जाके प्रोडक्ट आता है, और फार्मर्स लोग से डील करके धंधा लाना ये सब सब बहुत टफ होता है। बहुत यूनिक टाइप का बिजनेस है, और बहुत कम लिस्ट इस स्पेस में काफी कम लोग हैं, और दो प्लांट्स है कंपनी के, 25 साल से पुरानी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी के जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इनकी डिमांड बहुत बढ़िया होने वाली है, और पिछले 2-3 सालों का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी दिया है। और इस पर्टिकुलर जून के क्वार्टर की मैं हर बार हर कंपनी जो भी रेकमेंड कर रहा हूं वहां पे यही देख रहा हूं कि जून के क्वार्टर में क्या होता है। तो जून के क्वार्टर में 2019 जून के सामने 5.19 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 20 में 7.82 का प्रॉफिट। अब अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 16-17 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काफी सस्ता है, जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स है, इतना इजीली यहां पे जल्दी से कोई कंपनी नहीं आती, और आती भी है तो लिस्टेड स्पेस में कम है, छोटी छोटी कंपनियां अनऑर्गेनाइज वे में काफी काम करती है। दूसरा, ग्रोथ कंपनी ने 3 साल में अगर देखे कैगर तो 8-9% की ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ 14-15%, मार्जिन वाला बिजनेस है, ओपीएम करीब 15% के लगभग है, और 75% प्रोमोटर का स्टेक है जो कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है। फिर डिविडेंड का भी काफी अच्छा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो डिविडेंड भी करीब 1.5% का डिविडेंड यील्ड है, डेट्स को कंपनी ने रिड्यूस किया है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, और ओवरऑल बहुत बड़ा परफॉर्मर पिछले 5 साल में देखे तो ये स्टॉक है नहीं, पिछले 3 साल में 5 साल में 10% से नीचे का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो मुझे लगता है कई बार इन टाइप के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा लोग घुसे हुए नहीं रहते हैं, या फिर प्रोमोटर्स के हाथ में स्टेक है, और DII का धीरे धीरे अब इंटरेस्ट शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा लेने लगे हैं। तो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स में निवेश करना चाहिए, 55 से 60 रुपए तक का टारगेट के लिए ये स्टॉक में रेकमेंड करता हूं, बट अवधि थोड़ी लंबी रखें क्योंकि अब मार्केट्स भी थोड़े से वैसे हो गए हैं कि पहले तो अनिल जी मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा इमीडिएटली टारगेट्स अचीव हो रहे थे क्योंकि नीचे के लेवल से बहुत स्कोप था, मगर अब ऐसे लेवल्स पे सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, अब समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लेते ही 10 दिन में 15 दिन में हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूं लोगों का इंप्रेशन जब टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं कब होगा। तो जिनको लेना है बिल्कुल 6 से 9 महीना 12 महीने की अवधि के हिसाब से ले। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंडस्ट्री, मुझे बहुत जबरदस्त आगे आने वाले दिनों में और इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड दिखती है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करें और लंबी अवधि के लिए।